ऐसे पढ़ने में 10 मिनट अभी बाकी हैं, तो तब तक मैं एक सूरत की तिलावत कर लूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा मक्कीया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين। और आप देख रहे हैं सूफी फूड रेसिपी। तो अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी सा नूडल्स, तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैं हूँ सूफी व्लॉग और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। तो वेलकम बैक टू दी माई न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मेरे स्कूल का सेकंड डे है जून जुलाई के बाद। तो कल फर्स्ट डे था, कल मैं स्कूल गया था यार। अब जून जुलाई के बाद स्कूल जाने का दिल ही नहीं करता, और स्कूल जाओ इतना बोरिंग डे गुजरता है। यहाँ पे हम लोग घर पे होते थे, दिन इतना जल्दी गुजरता था। अभी स्कूल में जा रहे हैं, पता लग रहा है कि दिन इतना देर से गुजर रहा है यार। घर पे तो जल्दी गुजरता था, वहाँ पे बहुत देर से गुजर रहा है। कल का डे बोरिंग है, अभी हम जा रहे हैं स्कूल, तो देखते हैं ये वाला डे अच्छा जाएगा और ये डे भी बोरिंग जाएगा। फाइनली मैं स्कूल से आ चुका हूँ यार, और आज का स्कूल का दिन ना बहुत ही यार अच्छा भी नहीं कह सकता, बुरा भी नहीं कह सकता यार। एक पीरियड फ्री मिला था और बाकी सारे पीरियड में यार काम ही काम, इतना सारा काम करवाया कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा था यार। अच्छा, बहुत सारा काम करवाया आज तो। कल तो भी कुछ काम ही नहीं करवाया, कल बस रीडिंग करवाई थी, और आज इतना सारा काम करवाया कि हाथों में ही दर्द हो गया यार। आज हमें बहुत सारा काम करवाया यार। तो गाइस यार, मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। तो यार जब मैं फ्रेश होकर आता हूँ ना, तो यार मेरे टिन में ना ऐसा टायर्ड वाला हवा लगता है और ऐसा ठंडा ठंडा हो जाता है, और जब मैं पंखे के नीचे आता हूँ तो और ज्यादा ठंडा ठंडा हो जाता है यार ये मेरा टिंड। A few moments later, अभी मैं जा रहा हूँ मदरसा पढ़ने, तो मदरसा पढ़ने के बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अभी मदरसे पढ़ने में 10 मिनट अभी बाकी है, तो तब तक मैं एक सूरत की तिलावत कर लूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा मक्कीया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। मैंने फाइनली तिलावत कर ली और मेरे मदरसे का टाइम हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताएं कि मैंने तिलावत कैसे की है। और बच्चे बैठे हुए, तो मदरसा पढ़ूंगा, मदरसा पढ़ने के बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। 1 hour later, बस फाइनली मैंने मदरसा पढ़ लिया। मुझे लगी है यार बहुत ही जोर से भूख, अब मैं खाना खा रहा हूँ। आप भी आओ खाना खाओ, तो खाना खाने के बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे।
A few moments later. ये देखिए जिस पे मुर्गे खाना खाते डॉगी अब इसको लेकर भागा। छोड़ो छोड़ो। ये देखो अब इसको लेकर मैं भागा जा रही हूं। यार प्यारा सा यार छोटा सा क्यूट सा यार ये। ओ भाई मैं तो भूख रहा है। तो मुर्गे खाना खाते हमारे आप लोग का नहीं है ये मुर्गों का। खाना फोड़ दिया है तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ने। यार अब मैं क्या करूँ यार, अब स्कूल खुल गया अभी यही होगा स्कूल मदरसा ट्यूशन स्कूल मदरसा ट्यूशन। फिर भी यार मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा व्लॉग बनाते रहूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब एक बनता है। One eternity later. तो फाइनली मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ यार। मुझे बड़ी भूख लगी है यार, पेट में छोले दौड़े। देखते हैं कुछ पड़ा हो तो अभी बनाते हैं। मैं हूँ सूफी और आप देख रहे हैं सूफी फूड रेसिपी। तो अल्लाह बरकत दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जायकों में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी सा नूडल्स। तो चले शुरू करते हैं। गाइस अभी हमने ये लिया है एक कप वाटर। तो हम इस वाटर को डालेंगे इस पतीले के अंदर। वन एंड हाफ कप हमने वाटर लिया है। तो फिर हम डालेंगे पतीले के अंदर। तो अभी गाइस आग जलाने की बारी है। आग गाइस वो नीचे से गैस बनता है। हमने फाइनली आग जला दी है तो हम इसे 3 to 5 मिनट छोड़ेंगे ताकि पानी अच्छे से उबल जाए। अभी हम मैगी तो बना रहे हैं, अभी देखते हैं मैगी पड़े हुए भी हैं। अभी थोड़ा इसको ठंडा करने देते हैं।
गाइस हमने नूडल्स तो बना लिए, अब यार बर्तन भी तो धोने वरना अम्मी के हाथों मार खा लेंगे हम। तो इसके लिए हम बर्तन धोएंगे ताकि नूडल्स भी हमारे ठंडे हो जाएंगे। गाइस अभी मैं आप लोगों को टेस्ट कर बता दूं ये नूडल्स बनी कैसी है। ओ गाइस भाई थोड़ी थोड़ी सी कच्ची हो गई है यार ये नूडल्स। यार बस जैसे ही हमें तो अपना भूख तो मिटाना है ना, तभी हम इसे फोड़ेंगे। तो फोड़ने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस हम फिर अब करते हैं करी एंड, क्योंकि यार इस टाइम मेरे सोने का टाइम भी हो गया यार, स्कूल भी खुल गया, तब यही रूटीन होगी, जल्दी सोना पड़ेगा। और मैं स्कूल के टाइम थोड़ा एक्टिव रहे, वरना तो अगर जल्दी नहीं सोएंगे फिर स्कूल के टाइम हम लोग ऐसे हो जाएंगे। स्कूल के अंदर पे नींद आ जाएगी, क्लास में टीचर समझा रही होंगी, हम लोग यहाँ पे सो रहे होंगे। तो गाइस हमें फॉलो करते हैं दरियान, फॉलो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं। अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं किसी नए मीडियम में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।